हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन होता है, आपने एक रूल पढ़ा है बोर्ड मास, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बोर्ड मास भाई, बोर्ड मास हमारे पास क्या होता है? ब्रेसेस। ऑफ डिवीजन फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमारे पास है एडिशन, और फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक और टर्म ले रहे हैं, बी बोर्ड मास। तो हम एक और ले लेते हैं बी, तो विंकम कह लीजिए या बार कह लीजिए, समटाइम ये भी यूज हो जाता है हमारे साथ। सबसे पहले इसी को ले। अच्छा, इस पे भी ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ब्रेसिस हैं या ब्रैकेट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास ब्रैकेट का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये आपका मिडिल ब्रैकेट कहलाता है, और फिर ये आपका बिग ब्रैकेट कहलाता है। तो ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले जो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे, वो स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जब स्मॉल मिडिल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, फिर आप ये लार्ज ब्रैकेट जो है ये यूज करोगे। देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा सा ले रहे हैं, सिंपल सिंपल सा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया 4 माइनस, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसकी पीडीएफ कॉपी भी बन रही है, फिर भी आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए, थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है तो लिखते भी रहिए, पेन चलाएंगे, आंखें चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, बिजी रखेंगे तो सारा समझ में, आइडल बैठे रहेंगे, सुस्ते बैठे रहेंगे, पीछे को भी तो समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे तो मोबाइल स्टार्ट करके या फिर घूमते रहते हैं, वो नहीं करना है, पानी पी लिया चाय पी लिया। तो हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं, बिग ब्रैकेट 6 माइनस 12, फिर ले रहे हैं माइनस, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट ले 10, फिर ये ले रहे हैं माइनस, फिर ये ले रहे हैं 8 माइनस 6, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट, और फिर मान लो ये ऑर्डर दिया है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक फर्स्ट ऑर्डर हो गया जो हमने ऊपर दिया है। तो इसमें जो आपको स्टार्ट करना है वो इस विंसम जो हमारे पास है, ठीक है, या बार जो है, ये यहाँ से स्टार्ट करना। तो आप बार से अगर स्टार्ट करेंगे तो 8 माइनस 6 आ जाएगा 2, थोड़ा सा पहले स्लो चल रहे हैं, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10, तो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये आपके पास आ गया माइनस, और ये आपके पास 12 है, तो आपके पास ये है मिडिल ब्रैकेट, तो आपने 12 माइनस 8 को सॉल्व किया, ये आपको देगा 4। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये है माइनस और ये है 6 और ये है ब्रैकेट, तो 6 माइनस 4 आपको देगा 2। अब आप पहुंच गए यहाँ, ये माइनस है और ये आपके पास 4 है, तो 4 माइनस 2 आपको देगा, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये ऑर्डर होता है, क्या हमने बार जो है ब्रैकेट ही एक तरह से हमने देखा, बार फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर लार्जर ब्रैकेट, इस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखो जरा, सबको आवाज आ रही है, क्लियर है विजन आपको? जी सर। प्लीज देखिए, बहुत सुबह सुबह चल रहे हैं, पेन चलाते रहे आप लोग साथ साथ, कुछ टेंशन नहीं।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। आपके पास क्या दिया हुआ है, 9.6 इंटू 3.6 डिवीजन 7.2, फिर आपसे कह रहा है प्लस 10.8, फिर आपसे कह रहा है ऑफ, आपसे कह रहा है 1/18 माइनस 1/10। ये हमारे आपसे कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। तो जो हमारे पास ऑर्डर है प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हम कह रहे हैं तब इनकम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं बोर्ड मास। नॉर्मली तो बोर्ड मास ही होता है, बाहर तो बहुत ही कम उस पर आता है, जनरली हम बोर्ड मास की ही बात करते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं। फिर हमारे पास आया ऑफ, तो जहां हमारे पास ऑफ है और जिनके बीच में ऑफ है उनको सॉल्व करना। हमारे पास जो ऑफ है वो इनके बीच में, तो इन दोनों को हटा सकते हो आप और इनकी जगह सॉल्व करके आप लिख सकते हो। मतलब ये क्या हो गया, और ऑफ का मतलब इनटू होता है, ध्यान रखो। इसका मतलब ये हो गया 10.8 इंटू 1/8। तो अगर आप देखेंगे ये होता है 18.6 जा 108, लेकिन 108 तो नहीं है, 10.8 है, तो ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है सर, 6/10, 0.6 जैसे भी आप डिवाइड करना, तो इसका मतलब इसकी जगह आप 0.6 रख सकते। तो मैं ऑर्डर वही लेके चल रहा हूँ, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सर 9.6 इंटू 3.6 डिवीजन 7.2 प्लस, ये जो येलो वाला पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है और इसकी जगह आ गया है 0.6 माइनस 1/10। देखो जो 1/10 है ये बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये माइनस प्लस सबसे अलग है, एक अलग है, तो इसको 1/10 पर 0.1 लिखना चाहो तो लिख सकते। तो खैर ये हमारा पास हो, अब हमारे पास ब्रैकेट उसके पास ऑफ के बाद हमारे पास आता है डिवीजन। तो डिवीजन का साइन कहाँ है ये देखना है, किन दो के बीच में डिवीजन आ रहा है, वो डिवीजन आ रहा है इन दो के बीच में, तो इन दो को सॉल्व कर लीजिए। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि भाई 3.6 डिवीजन 7.2, तो आपको नजर ही आ रहा है 36 2 जा 72, तो सीधा सीधा सा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2। इस बार इस येलो की जगह 1/2 आ गया, तो आपके पास अब क्या आया बेटे, अब आपके पास आ गया बेटा जी 9.6 इंटू 1/2, ये लोग हटा दिया, तो अब आपके पास बचा प्लस 0.6। मैं आपसे कहता 1/10 आप लिखना चाहो 0.1 तो लिख सकते, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा ब्रैकेट हो गया, डिवीजन ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, अब आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन कहाँ है भाई हमारे पास, वो इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 9.6 इंटू 1/2, तो आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है, बताओ जरा भाई 9.6 इंटू 1/2, तो शायद 48 आएगा, या ये कहिए 4.8। तो अब इस बार येलो की जगह आप 4.8 कर दीजिए, 4.8 प्लस 0.6 माइनस 0.1। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर यूज करना चाहे कर लें, वरना ये एक सिंपल ऑर्डर है, आप किसी को पहले प्लस कर दिए माइनस कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस के लिए कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले, वैसे हमारे पास क्या है पहले एडिशन है फिर आपके पास क्या है सब्ट्रैक्शन, लेकिन आप इसमें पहले सब्ट्रैक्शन कर लीजिए फिर एडिशन पे कोई फर्क नहीं। अगर ये वाला सिर्फ अब आपके पास प्लस और माइनस बचा है तब मैं आपसे, तो खैर हमारे पास क्या आ गया, अब हम कह रहे हैं एडिशन, तो 4.8 प्लस 0.6 कितना आ गया भाई, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5.4 माइनस 0.1, तो आपके पास आ गया सर ये 5.3। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है सर। तो ये तो रहा ऑर्डर, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ और फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 9.6 इनटू 3.6 डिवीजन 7.2 डिवीजन सॉरी प्लस 10.8 ऑफ 1/18 माइनस 1/10। ये मेरा क्वेश्चन प्रोसेस तो वही है, लेकिन अब कोशिश तो यही करनी है कि आपको ये 4-5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब यहीं पे हम कैंसिल करने की कोशिश करें, हमने क्या करना है ऑफ को कैंसिल करना है। तो ऑफ को कैंसिल करने का मतलब ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा, तो 0.6 आए। तो इसका मतलब इसको अब आप कैंसिल कर सकते हैं एक तरह से कि भाई ये मेरा खत्म हो चुका है ये ग्रीन बॉक्स, और यहाँ आ चुका है 0.6। अब आपके पास हो गया ब्रैकेट ऑफ, फिर आपके पास आएगा डिवीजन। तो डिवीजन में आपके पास क्या है, आप जैसे चाहे लिखो, ये डिवीजन 7.2 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 7.2। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में आंसर आ जाए, तो आप कहेंगे 36 × 70। तो डिवीजन भी हो गया, तो अब आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये रह गया, तो 2 से ये आपके पास आएगा 4.8। तो फाइनली आपके पास क्या बचता है, फाइनली आपके पास बचता है 4.8 प्लस 0.6, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 0.1। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 4.8.6 5.4 माइनस 0.1 5.3। वन लाइन आंसर आपका ये हो गया 5.2। सर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरह से यस सर आ रहा है। देखो जरा एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। चलो जरा एक क्वेश्चन अब आप करो एक सेकंड के अंदर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन आता रहना चाहिए। मेरे पास क्या दिया है बेटे, मेरे पास दिया बहुत सिंपल वन लाइन एक्सप्रेशन है, n माइनस, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ब्रैकेट n माइनस m प्लस n ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट n माइनस ब्रैकेट n माइनस m माइनस n बार ब्रैकेट क्लोज। फिर ये आपका जो यहाँ पे है, अच्छा ये मिडिल ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, फिर आपके पास क्या है प्लस 2n। सिंपल एक वन लाइन एक्सप्रेशन है, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सीधा सीधा वन लाइन एक्सप्रेशन कुछ है नहीं था। Thank you.
आंसर आया बेटे? अब नहीं आया सर, 2M। किसी बच्चे का? डरा मत करो, करा करो। आंसर 2M आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। और किसी बच्चे का कोई आंसर? करते ज्यादा हो आप लोग। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे बात से। वैसे तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ ऑर्डर कोई ज्यादा मैटर करेगा नहीं, आप सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर है, तो ब्रैकेट खोलते चले जाओ, काम चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इस बार को हटाएंगे। अगर इस बार को हटाएंगे तो ये समझिए छोटा ब्रैकेट होता है एक तरह से। तो ब्रैकेट खुलेगा, दोनों टर्म्स अलग अलग है, वेरिएबल है, एड हो नहीं सकते, तो एम और एन ही रहेगा। तो इसमें ब्रैकेट ओपन होने से या बार हटने से सिर्फ क्या होगा कि साइन चेंज। साइन चेंज होने का मतलब क्या है, ये जो मेरा एन है ये एन ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, लेकिन एम का साइन तो हो जाएगा माइनस, लेकिन एन का साइन जो है वो हो जाएगा प्लस। ठीक है सर, इस बार के हटने से। तो आप समझिए ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये हालत होगी, एम माइनस एन जो था वो माइनस एम प्लस एन हो गया। अच्छा, इसके बाहर हमारे पास क्या है, इसके बाहर हमारे पास है एन सर, और ये हमारा है मिडिल ब्रैकेट। जी बेटे बताइए। जी बोलिए सर, समझ नहीं आया वो वाला क्या चीज सर, जो प्लस हो जाएगा सर, एम प्लस एन। जी बेटे, एक्चुअली क्या है बेटे, जो बार है ना, ये ब्रैकेट ही है एक तरह से। अब क्योंकि हमने तीन ब्रैकेट तो यूज कर लिए, तीन ब्रैकेट कौन सा यूज किया, पहला सबसे वाला बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है, फिर उससे मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर उससे स्मॉल होता है। तो तीन तरह के ब्रैकेट तो यूज कर चुके, अब कौन सा ब्रैकेट लाए। तो उसने ब्रैकेट की जगह क्या किया, उसने ब्रेसिस को यूज कर लिया, ये जो हमारे पास बार है इसको उसने यूज किया, ठीक है। तो ये जो हमारा बार होता है ये एक तरह से ब्रैकेट होता है। अब आप समझो यहाँ पे कि यहाँ ब्रैकेट था एक और ऐसे, अब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या फर्क होता है बताओ जरा मुझे। अगर ये सपोज करो, बस अब आप इतना समझो, पार्ट वाइज ही कर लेते, आप ये समझो कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये मतलब क्या लिखा हुआ है, n माइनस m माइनस n लिखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ, बताइए बेटे क्या आएगा। साइन चेंज हो जाएंगे बाहर जो बेटे, साइन चेंज होंगे भैया, माइनस एम प्लस एन। अगर अगर बेटे बाहर प्लस होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, अगर माइनस होता है तो इनर साइन चेंज हो जाते हैं। इनर साइन का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा एम है वो अभी पॉजिटिव है इन ब्रैकेट, और एन जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एन माइनस एम प्लस एन आएगा। ये बात अब आपको समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गई। आ गई, तो ये देखो इधर, इस ब्रैकेट से लेके और इस ब्रैकेट तक की कहानी होगी, ठीक है। तो अच्छा ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसके बाहर अभी भी एक और एन है या नहीं है, आ रहा है समझ में? तो अब अगर मैं मिडिल ब्रैकेट, अगर मैं बेटे मिडिल ब्रैकेट लिखूं, तो यहाँ पे है एन माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या हो चुका है, एन माइनस एम प्लस एन हो चुका है। अब बताओ, अब आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, yes, अब आप चाहो तो चाहे पहले ऐड कर लो n और n 2n हो जाएगा, या ये जो बाहर माइनस है इससे फिर साइन चेंज कर दो, तो चॉइस आपकी है। तो अब हमारे पास इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या आ जाएगा, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर अंदर आ जाएगा बेटे n माइनस, ठीक है, आप चाहो तो इनको ऐड कर लो कि भाई ये n और ये n 2n हो चुका था प्लस का, लेकिन ब्रैकेट खुलने से फिर माइनस हो गया, और अंदर m था तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, n माइनस 2n क्या हो जाएगा, माइनस n और प्लस n, तो
ये कहानी किसकी हो गई? मिडिल ब्रैकेट की। सब बच्चों को बताओ इस ये मिडिल ब्रैकेट की कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई यहाँ पर? यस सर आ गई। ठीक है बेटे, तो ये कौन सा ब्रैकेट है हमारा? मिडिल ब्रैकेट। अभी जो हमने सिर्फ सॉल्व किया है, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, अब इसके बाहर हमारे पास क्या बचा हुआ है वो देख लो। तो हमारे पास क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन है, तो आप अगर एक साथ भी खोलते चले जाओ तो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, देखते जाओ आप जरा। ये एन मेरा एन ही रहेगा, ये माइनस की वजह से, चलो अच्छा रहने देते हैं, ये हमारे पास एन आ गया। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं खोल दे रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताएगा कोई बच्चा मुझे? तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एन प्लस माइनस एन, दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस एन है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस के थे दोनों तो माइनस के हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? माइनस आ गया। कौन सा वाला माइनस आया? ये वाला मिडिल ब्रैकेट वाला है ना। तो अंदर हमारे पास क्या है मिडिल ब्रैकेट में, कोई बच्चा बताएगा मुझे? अंदर ब्रैकेट में हमारे पास ये बचा था प्लस एन माइनस एन, साइन चेंज कर दोगे बेटे आप? प्लस रहेगा तो एन किसका हो जाएगा बेटे? प्लस का, प्लस एन। और एम किसका हो जाएगा बेटे? माइनस एन, माइनस का। अच्छा, हमारे पास बाहर और क्या बचा हुआ है जरा देख रहे हो आप? बाहर ये, हाँ भाई, और क्या बचा हुआ है बाहर? प्लस टू एम, प्लस बस प्लस, शाबाश। तो ये हमारे पास, ये हमारा ब्रैकेट। अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है बेटे, ये वाला एन हमारा माइनस का है और ये हमारा एन प्लस का है ना बेटे? ठीक है, अच्छा हमारे पास ये बेटे माइनस एम है और ये हमारे पास माइनस एम है, तो माइनस एम माइनस एम क्या हो जाएगा बेटे? माइनस टू एम। और ये बेटा टू एम किसका है हमारे पास? प्लस का, प्लस का। तो ये सारा कैंसिल हो गया एम इसका मतलब जी। तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचा कोई बता सकता है? एन, सिर्फ एन बचा बेटे। और बाहर, और बाहर क्या बचा बेटे? एन, एन। साइन क्या है बीच में? माइनस। व्हाट इज द रिजल्ट? जीरो, जीरो। ठीक है यहाँ तक? दोबारा से देखिए इसको, वन लाइन करने की कोशिश करें। आपके पास क्या है बेटे? n माइनस बिग ब्रैकेट n माइनस स्मॉल ब्रैकेट m प्लस n माइनस मिडिल ब्रैकेट n माइनस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस m माइनस एन बार स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट प्लस टू एम, ये आपके पास है। एंड अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, अब हम आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं प्लीज इधर। तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? ये एन एज इट इज आएगा माइनस, मैं इस बिग ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, एन आएगा। प्लीज ध्यान से, आवाज नहीं भाई, मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया है तो अंदर के साइन चेंज करने, मेरे पास ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर प्लस हो गया तो फिर मैं इस ब्रैकेट के साइन, मैं आपसे कह रहा हूँ आप डायरेक्ट जो है इसको चेंज करते चले जाओ। चेंज कैसे करोगे आप इसको डायरेक्ट? देखो ध्यान से, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इसको, कि मान लो मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया तो हमारा ये ब्रैकेट हो गया खत्म, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। लेकिन इसकी वजह से ये जो माइनस है, ये एन जो हमारा है, ये तो माइनस का हो गया क्योंकि इसके बाहर माइनस आ गया, लेकिन ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस भी प्लस हो गया, ठीक है, और ये वाला प्लस माइनस हो गया। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई या नहीं, बस ये बता दो। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या मैं ये कह दूं आपसे कि भाई इस n को इस n से कैंसिल कर दो? यस, यस सर। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास अब, अच्छा, क्योंकि जिस भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है उस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, अंदर के साइन चेंज होने नहीं है। तो अगर बाहर प्लस है
तो फिर आप जरा ध्यान से देखो बेटे, इसके बाहर प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे आप एज इट इज सिंपल लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिविजन तो है नहीं। अब ब्रैकेट का सिर्फ एक ही काम रह गया कि साइन चेंज होने या नहीं होने। आ गई बात समझ में? अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला इस पूरे मिडिल ब्रैकेट के बाहर साइन कहे का है, ये वाला साइन, ये जो मैंने किया ब्लैंक, ये वाला साइन कहे का है, ये भी कहे का है, ये भी प्लस हो गया, तो इससे भी अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या मैं इस वाले टर्म को भी बेटे ऐसे लिख दूं, प्लस एन माइनस स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस, अभी मैं बार लिख रहा हूं एज इट इज, आप बार से शुरू कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मिडिल ब्रैकेट हटा दिया है और लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो मेरा प्लस का 2m, प्लस 2m था पहले, अब माइनस का 2m कर दिया था मैंने, तो लास्ट वाला मेरा माइनस 2m। ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है, गुड। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास सिर्फ एक अंदर वाला ब्रैकेट बचता है, तो उसमें अंदर के साइन चेंज करने हैं। अंदर के साइन क्या चेंज करने हैं? आप देख लो, ये मेरा ब्रैकेट हट गया मान लो, तो इसके बाहर बचा माइनस, और इस माइनस से ये वाला अंदर हो गया प्लस, ये वाला क्या हो गया? Yes. प्लस हो गया। अब बार बची, बार के बाहर प्लस है, मतलब इस बार को मैं स्मॉल ब्रैकेट कह रहा हूं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस है ना बाहर, ये वाला साइन कहे का है? Yes, प्लस का, तो ये एम माइनस एन ही रहेगा, क्या रहेगा? अब देखो बेटे, ये एम रहेगा एज इट इज, ये प्लस है, ये n रहेगा एज इट इज, ये प्लस है, आप इसको खुद भी अपने लैंग्वेज में करके देखना, ये माइनस रहेगा, ये n रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये वाला, ये एज इट इज m माइनस n ही रहेगा। बार का मतलब ब्रैकेट आपने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस था, तो इस प्लस से अंदर वाले ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, बार का मतलब सिंपल। और लास्ट वाली टर्म माइनस 2m, तो ये है आपके पास सिर्फ। अब जिसको तलवार लेके आप उड़ा सको उड़ा दो, देखो सारे कट गए या नहीं कट गए। सर कुछ समझ में आया क्या? यस सर। खत्म हो गई बात, तो ये आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा एक बार। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देख, हमारे पास क्या है 7/2 डिवीजन दिया हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह क्वेश्चन में, 5/2 इनटू 3/2 जो यहां आपसे क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और आप ये कोशिश करें कि पहले अगर मुझे 2 मिनट लगे तो आप फिर दोबारा करो तो उसे 1 मिनट कर लो, 1 मिनट को भी 50 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड कर लो। अगर आपने उसी क्वेश्चन को 5 बार कर लिया सर, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं आप 50 क्वेश्चन करो, आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार करो। मैं भी खुद कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर उसे दूसरे तरीके से सोचता हूँ पहले फिर करता हूँ, ये नहीं कि पहले करूंगा फिर सोचूंगा, सोचता हूँ कि अगर इसको यहाँ से हटाऊं इसको यहाँ से हटाऊं तो क्या फायदा होगा। तो आप भी अगर इस तरह से कोशिश कर लें तो इंशाल्लाह वो भी काफी आपको हेल्प देगा। 7/2 डिविजन 5/2 ऑफ 3/2 डिवीजन 15/14 ये हमारे पास, जरा कोशिश करिए इसका आंसर। सर बच्चे जरा कोशिश, 14/15 जी एक आंसर तो आ गया, इन्होंने बता दिया 14/15। और बच्चे जरा कोशिश करें,
सर 14 बाय 15 सर 14 बाय 15 हेलो चलो जी देखते हैं आप जो बच्चे क्या रहे ऑर्डर क्या है हमारे पास रूल का यहाँ आपको ध्यान ये रखना है न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है और डेनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है ठीक है तो इसमें ये ध्यान रखिए कि ये 15 बाय 14 अलग चीज है बिल्कुल सेपरेट ये न्यूमरेटर अलग है और ये डेनोमिनेटर अलग है जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी तरह से करके देखिए न्यूमरेटर जो हमारे पास है बेटे आप सब बच्चे मुझे बताइए न्यूमरेटर है बेटे मेरे पास 7 बाय 2 डिवीजन 5 बाय 2 इंटू 3 बाय 2 बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी सब बच्चे ब्रैकेट है नहीं इसमें ऑफ है नहीं इसमें डिवीजन है सर 21 अपॉन 10 इसमें इसमें डिवीजन है ना तो इस डिवीजन का हम क्या करेंगे ये बताइए ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 बाय 2 आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए 5 बाय 2 या आप चाहो तो इस डिवीजन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हमारे पास जो है हमारे पास है 7 बाय 2 ठीक है डिवीजन की जगह हमने कर दिया मल्टीप्लाई और इसे कर दिया 2 बाय 5 और 2 बाय 5 इंटू 3 बाय 2 ये हमारे पास हुआ जी भाई वालेकुम सलाम जी अल्लाह का शुक्र आधा घंटा पहले कहा था उसने अब तक किया नहीं है तो आधा घंटा पहले मेरे पास ऑफिस में नीचे खड़ा था मैंने उसे ऑर्डर दे दिया था कि भाई चेंज कर दो तो उसने तक किया नहीं क्या मैं पूछ रहा हूँ आपको कॉल सुनवाऊं क्या मैं क्या उसने मेरे ऑफिस से मेरे ही लड़के के फोन से बात करी है मुझसे आधा घंटा पहले आधा घंटा क्या 40-45 मिनट होगा तो कह रहा था मेरे पास केबिल है डलवा दीजिए भाई उसे करा दीजिए जी बेटे ये हमारे पास आ गया ठीक है जी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास अगर हम सॉल्व कर दें इसको 10 हो जाएगा जी बेटे 21 अपॉन 10 चलो ठीक अच्छा डेनोमिनेटर बताओ मेरे पास क्या है 7 बाय 2 डिवीजन 5 बाय 2 ऑफ 3 बाय 2 ऑफ को हम क्या करें मल्टीप्लाई हम लिख लाइए जब तो बर्थडे आपके पास आएगा 7 बाई 2 डिवीजन 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 तो आपके पास आ गया 7 बाई 2 डिवीजन
इन दोनों का आपने सॉल्व किया 15 बाई 4। आप क्या करेंगे, अब डिवीजन को यूज करेंगे, ये हो जाएगा 7 बाई 2 इंटू 4 बाई 15। तो आपके पास कितना आएगा भाई, हाँ भाई बात सही है या नहीं है? आइए मुझे जी सर। अगर जी है तो अब मुझे ये बता दीजिए आप सब बच्चे, अगर जी है तो मेरे पास न्यूमरेटर आया है 21/10 और डेनोमिनेटर मेरे पास आया है 14/15। अब मुझे बाप ये बताओ क्या ये वैल्यू 1 है या नहीं है? हाँ जी, आप सब बच्चे तो यही तो कर रहे थे कि आप सब बच्चे इसको पूरे को 1 कर रहे थे कि ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन 15/14, तो उसका डिवीजन है तो वो रेसिप्रोकल होके 14/15 आ जाएगा। तो क्या यहाँ 1 आया क्या, मुझे आप ये बताओ, बस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर 1 आया है क्या, ये बता दो बस। तो फिर आप क्यों कर रहे हो बेटे, फर्क तो वही है ना, आपको ऊपर नीचे टर्म तो एक सी नजर आ रही है लेकिन ऑर्डर चेंज हो रहा है सॉल्व करने का। आपको यहाँ ऑफ दिखाई दे रहा था, सब बच्चों को ऑफ दिखाई दे रहा था तो ये इंटू हो रहा था, क्या हो रहा था इंटू हो रहा था, तो ऊपर नीचे सेम दिख रहा था, अगर सेम दिख रहा था तो आप इसे वन कर रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है बेटे, यहाँ यहाँ पहले इसको सॉल्व करना है और यहाँ पहले इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा पूरा। सब समझ में आया या नहीं आया सब बच्चों को? जी सर आ गया। तो प्लीज इतना फास्ट मत चला करो, ठीक है सर? ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास क्या आया फाइनली, हमारे पास क्या आया, हमारे पास फाइनली ये आया और यहाँ हमारे पास कितने डिवीजन है और डिवीजन के साथ था 15 बाई कितना था 14। Yes. तो ये जो 14 by 15 upon में इसे आप चाहो तो reciprocal करके multiply कर सकते हो 21 by 10 into 15 by 14। ये तो इसका आया और ये जो हमारे पास division है, इस division को क्या कर लोगे 14 by 15, ये आप cancel कर सकते हो। Finally आपके पास answer क्या है 21 upon 10 display form में आपका answer लिखा हो। ये चीज तो सब बच्चों को समझ में आया है नहीं आया? आ गया सर। सोच लीजिए, यस सर, हां सोच लीजिए, टर्म्स कितनी सिंपल सी दी हुई थी, आप उसका आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे रहे थे बट वो ऐसा नहीं है, इसी वजह से ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व कर। तो आप लोग ये इसको रिवाइज करेंगे और मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ सब बच्चों को कि आप सब बच्चे आज के लिए इतना ही है कि फॉर्मूले याद कर लीजिए बस, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में हम इसको भी यूज करें। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा आपको फॉर्मूले की शीट भेज दूंगा। a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, लेकिन इन फॉर्मूले से फिर दूसरे फॉर्मूले डेवलप होते हैं। जैसे आपके पास कभी कभी आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आपसे पूछ लेगा ए फोर प्लस बी फोर क्या, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप सिर्फ कोशिश कर लीजिए, अगर आपको कहीं ढूंढ के फॉर्मूले मिल जाए, या मैं देखता हूँ शीट पूरी मिल जाए तो मैं आपको डालता हूँ। तो आज सिर्फ इतना ही है, जो मैंने आपसे कहा है कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं छोटे छोटे से, आप इनको 10 बार करिए। अगर पहली बार में आपको 10 मिनट लगे, 2 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, नेक्स्ट टाइम में 50 सेकेंड लगने चाहिए, आपको 40 सेकेंड लगने चाहिए, तो इतना भी अच्छा होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ शीट डाल दूँ, फॉर्मूले डाल दूँ, तो उसको रिवाइज करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन मैथ पढ़ाऊँ, मैथ सबका कॉमन होगा, और एक दिन मैं डीआई और डीएस पढ़ाऊँ, फिर सिर्फ एमबीए वालों, तो इंशाल्लाह कल भी एमबीए वालों के साथ क्लास होगा। ठीक है सर? ठीक है सर। शेड्यूल में शाम में बताऊंगा तो किस टाइम में, तो फॉर्मूले भेज दीजिएगा, मैं भी तो भेज दूंगा। ओके सर।